जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का है ना चित्र का एक वीडियो। ठीक है, चित्र मतलब होता है कथी। एग्जाम में ही 5 नंबर पूछता है साइंस के एग्जाम में, क्लास 10वीं में है ना। 9वीं में क्वेश्चन आता है लेकिन 10वीं में 5 नंबर पूछता है। आपको बता दें कि एग्जाम में आपको 5 नंबर में आएगा। आपको बता दें कि इस बार के एग्जाम में इससे पहले 2018-19 है ना 19 और 22 में पूछ चुका है। 18, 19 और 22 सुनिए ना, 18 के सेकंड सिटिंग क्वेश्चन देख लीजिए, 19 के सेकंड सिटिंग क्वेश्चन देख लीजिए, अब 22 के फर्स्ट सिटिंग क्वेश्चन देख लीजिए। यानी 3 में पूछ दिया है तो 24 में 100% गारंटी है कि ये पूछेगा, या तो पहला पाली में आवे या द्वितीय पाली में आवे, सेकंड में आवे या फर्स्ट सिटिंग में आवे, लेकिन आएगा जरूर। तो क्वेश्चन का है भाई है ना, तो क्वेश्चन है आपको फिगर भी देखिए गलत तरीका से बना है ना बॉस, सब चीज मस्त है देख लीजिए। आपको यूट्यूब पर ना ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा हमारा सिरा है ना, कोई नहीं डाला है अभी तक, देखे हैं हम भी कोई नहीं डाला है, इसलिए इस वीडियो को बना दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए, समझिए बात को है ना। कथा एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की नामांकित संरचना बनाई है, उनमें कार्यों का वर्णन करें। अच्छा, उनके कार्यों का वर्णन करें यानी वो तंत्रिका न्यूरॉन जो है ना उसका चित्र बनाइए, ओकरा में कार्य की सब काम करता है, वो बनावट की सब है, उसके बारे में बताओ तुम है ना। ये हमारा से पूछा है तो चलिए जवाब देते हैं है ना। पहले न्यूरॉन लिख के डैश मारिएगा है ना, ये आपको बता दिया है कि 2018 में 19 में और 22 में आ चुका है, और 24 में मैं गेस कर रहा हूँ कि 24 में भी आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए न्यूरॉन केकरा कहते हैं तो समझिए ना, जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को है ना, जो जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, उसे एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। आपका यह कहीं आवाज फंस गया है, ठीक है, थोड़ा सर्दी उर्दी हो गया है ना। एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, आप कहिएगा एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन क्या है, ये दोनों एक वो नाम है, या एक तंत्रिका कोशिका कहिए या न्यूरॉन कहिए, एक ही चीज है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व हो गया, कैसे देखिए, जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं तो न्यूरॉन कहते हैं। इसका बनावट एक लाइन छोड़ दीजिएगा, बनावट कैसे लिखिएगा, बनावट के डैश मारिएगा, इसमें क्या लिखिएगा, प्रत्येक न्यूरॉन में तारे के आकार का, देखिए प्रत्येक न्यूरॉन में तारे के आकार का कोशिकीय होते हैं जिसे साइटोन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है, देखिए इसे वो क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। इसमें केंद्रिका भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, इसको केंद्रिका क्या है, कोशिका द्रव्य है ना, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें एक लंबा एक्सोन होता है, क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, लंबा एक्सोन होता है, क्या है, लंबा एक्सोन है होता है। साथ ही इसके अलावा डेंड्राइटस है ना, डेंड्राइटस, ठीक है, डेंड्राइटस होते हैं, डेंड्राइटस किसे कहते हैं समझिए बात को, डेंड्राइटस क्या है, देखिए ये वाला जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, निकला हुआ, इसको डेंड्राइटस कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको डेंड्राइटस कहते हैं, डेंड्राइटस होते हैं। ठीक है, अब क्रियाविधि, एक लाइन फिर छोड़ दीजिए, लिखिए क्रियाविधि, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं ग्रहण करने के डेंड्राइट साइटोकोन तक पहुंचते हैं, ठीक है, साइटोन तक पहुंचते हैं, फिर विद्युत आवेग में परिवर्तन होकर सूचनाओं को आगे बढ़ाते हैं और पूरे शरीर में सूचनाओं को ग्रहण करने में ग्राही मदद करता है, कौन मदद करता है, तो पूरे शरीर में कौन मदद करता है, तो ग्राही मदद करता है। ठीक है, आप फिगर देखिए इस प्रकार के है ना, आपको इस प्रकार फिगर बना लेना है एग्जाम में। आपको देखिए सीबीएसई वाला के नंबर कैला उठते पूछते हैं, सूचना की करता है, जे चीज देखता है ना ओकर फिगर ड्रॉ कर देता है। अब बिहार बोर्ड वाला कैसे नहीं है, वो थ्योरी लिख देगा एक पेज में, हो गया वाओ, हो गया भाई, अब इससे ज्यादा लिखने वाले नहीं है हम तो, थ्योरी लिख दिए ना एक पेज, आपको लिखे, वो क्या करता है सीबीएसई वाला, कुछ नहीं करता, वो 4 लाइन लिखता है और एगो फिगर बना दिया, वो एगो पेज गप हो गया, एगो पेज पूरा हो गया, तो ई काम करता है। तो आप लोग भी यही काम कीजिए, बिहार बोर्ड वाला से सुन लीजिए, यही काम कीजिए आप लोग, ठीक है, तो ग्रहण करने में मदद करता है। देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह का आपको फिगर ड्रॉ कर लेना, ये क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, इसमें क्या अवेलेबल है, इसमें कोशिका द्रव्य है, ये जो होता है डेंड्राइट होता है, इसको दुमिका भी कहा जाता है, इसको दुमिका भी कहा जाता है, ये कुछ और पढ़ते हैं, एक्सोन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य हो तो बताइए दिए, ये वाला जो तंत्रिका कक्ष कहते हैं एक्सोन, एक ही चीज होता है दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम, देखिए आपको समझाने के लिए, ये क्या है, सिरा है, यह तंत्रिका का अंतिम सिरा का यही चीज है। ठीक है, आप ये देख लीजिए पूरा, इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, है ना, ये बताइएगा कि न्यूरॉन का ये वीडियो कैसा लगा आपको। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, है ना, ताकि थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू, थैंक यू।